Hey guys, welcome back to my channel. If you are interested to see how I created this look, please watch the video till the end. Thank you guys. चलिए शुरू करते हैं. So the first thing that I'm doing here is I'm moisturizing my skin. It is very important to prep your skin so that your skin is moisturized. Like मेरी skin जो है वो काफ़ी dry है, तो मेरे लिए बहुत important है कि मैं skin को properly moisturize करूँ. You can see now my skin is looking much more moisturized. The next step that I'm doing is I'm using a primer. यहाँ मैं Lotus का primer use कर रही हूँ. आप थोड़ा सा अपने हाथ पर निकालिए एंड डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए. ये एक अच्छा बेस क्रिएट करता है फाउंडेशन के लिए और एक अच्छा शील्ड की तरह एक्ट करता है, जो फाउंडेशन से और आपके स्किन के बीच में एक शील्ड क्रिएट करता है, जिससे आपकी स्किन जो है वो डैमेज नहीं होती है. नेक्स्ट स्टेप जो मैं यहाँ कर रही हूँ, मैंने यहाँ लिया है L'Oreal का फाउंडेशन. इसे मैंने डॉट डॉट करके अपने फेस पर लगा ले रही हूँ. इसको पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा करके लगा लीजिए और अपने नेक एरिया को ना हाइड छोड़िए, ताकि आपके जो फेस और नेक की स्किन कलर में कोई डिफरेंस ना नज़र आए. इसके बाद मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और इससे अपना पूरा फेस अच्छी तरीके से फाउंडेशन ब्लेंड कर ले रही हूँ. इसको अच्छे से टाइम दीजिए ताकि आपका जो बेस है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए और केकी ना दिखे. इसको धीरे धीरे डैप डैप मोशन में आप लगा सकते हैं. कम्प्लीटली अपने फेस पे अच्छी तरीके से ब्लेंड करिए एंड सेम मैं अपने नेक का फाउंडेशन भी अच्छी तरीके से इस ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ. एक अच्छे मेकअप बेस के लिए ब्लेंडिंग इज़ द की. अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी करते हैं तो आपका मेकअप का जो बेस है वो अच्छा दिखेगा और बाकी की जो भी आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करेंगे उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा. नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेकअप एकेडमी का कंसीलर पैलेट और उसमें से जो लाइट शेड है वो लेके मैं अपने अंडर आइज़ एरिया में लगा ले रही हूँ. अंडर आइज़ एरिया में कंसीलिंग करने से आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो काफ़ी हद तक छुप जाते हैं. उसके बाद अपने नोज़ की भी टिप पे, अपने लिप्स के टिप्स पे और एक अपनी चिन पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. और जिस एरिया पे मैं कॉन्टूर करूँगी उसके नीचे मैं यहाँ पे एक हल्का सा हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. नोज़ के साइड में आप थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ कर सकते हैं कॉन्टूरिंग के लिए एंड सिमिलरली आप अपने ईयर से चीक के बीच के एरिया को थोड़े से डार्कर शेड से कंसील कर रही हूँ. फिर सेम थिंग मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इस सारे कंसीलर को ब्लेंड कर ले रही हूँ. अगेन देख लीजिए, ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. जितने अच्छे से आपका मेकअप ब्लेंड होगा उतना आपका फाइनल रिजल्ट का अच्छा आएगा. आप इसको अपनी फिंगर की टिप्स की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर ना हो तो. यहाँ मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि उससे इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है. अगेन मैं अपने आई एरिया को मैं अगेन कंसील कर रही हूँ क्योंकि ये जो है आपके आई शैडो के लिए एक अच्छा बेस क्रिएट करता है, ताकि जो आपके आई शैडो जब आप लगाएंगे तो वो अच्छी तरीके से पॉप आउट करेगा और जो डार्कनेस है उसको भी छुपाने में कंसीलर हेल्प करता है. मैं अपने आईब्रोज़ के ऊपर कंसीलर का थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा हाईलाइटेड लुक देता है उस एरिया को. नेक्स्ट मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ. ये आपके मेकअप को कुछ मेकअप बेस को सेट करने में हेल्प करता है और दूसरी चीज़, अगर आपको स्वेट वगैरह आता है तो ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. आप कोई भी अच्छा कॉम्पैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में काफ़ी सारे अच्छे कॉम्पैक्ट्स अवेलेबल हैं. नेक्स्ट मैं रेवोल्यूशन प्रो के आई शैडो पैलेट से मैं ब्राउन शेड लेके एक फ्लैट टिप ब्रश से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ. आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी छोटे छोटे स्ट्रोक्स ले रही हूँ. छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने से जो आपकी आईब्रो फिल होती है वो काफ़ी नेचुरल दिखती है. एंड अगेन ब्लैक शेड का इस्तेमाल ना करें. अगर आपको ब्लैक शेड का इस्तेमाल करना भी है तो वो सिर्फ आईब्रोज़ के एंडिंग्स पे करिए. बाकी जो ब्राउन शेड है वो काफ़ी नेचुरल सा लुक देता है यहाँ. तो मैं यहाँ पे ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ। एंड में जो है मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डार्कनेस देता है। यहाँ एक टिप है, अगर आपके पास कोई पुराना मस्कारा हो तो आप उसका ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आईब्रोज़ को प्रॉपर्ली सेट करने के लिए, बिकॉज़ ये थोड़ा बुशी होता है तो ये काफ़ी हद तक आपके आईब्रोज़ को एक अच्छा लुक दे देता है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आईब्रोज़ आई शेडो यूज़ करना। तो यहाँ पे एक मैंने फ्लैट ब्रश लेके अपने आई एरिया को फिल कर लिया है ब्रॉन्जी शेड से। फिर मैं यहाँ एक डार्क ब्राउन टाइप का शेड ले रही हूँ जो मैं कॉर्नर्स पे यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है यहाँ, लेकिन नो वरीज़, हम इसे लेटर ऑन ब्लेंडिंग ब्रश से करेक्ट कर लेंगे। अगेन आई शेडो को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो आपका आई शेडो है वो डिस्क्रीट ना लगे और ब्लेंडेड लगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से देखिए अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब मैं एक लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ आईब्रोज़ के नीचे, उसको हाईलाइट करने के लिए। काफ़ी अच्छा ब्लेंडेड लुक देता है। अब मैं एक फेल्ट टिप आईलाइनर से लेके अपना आईलाइनर लगा रही हूँ। इसके लिए आप अपने हैंड को अच्छे तरीके से अपने चीक पे रेस्ट दीजिए ताकि आपका जो ग्रिप है वो अच्छा बनेगा। और एक टिप है, यहाँ पे आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स में लगाएंगे तो आपका आईलाइनर जो है ज़्यादा परफेक्टली लगेगा। अब मैं यहाँ पे एक काजल यूज़ कर रही हूँ और उसको अच्छी तरीके से अपने लोअर लैश लाइन पे फिल कर रही हूँ। गाइस, जितने भी कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगेन इनर कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से फिल कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं मेबेलिन के ब्लश पैलेट से मैं एक हाइलाइटर टोन लेके इनर कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से हाईलाइट कर ले रही हूँ। इससे काफ़ी ब्लेंडेड लुक दिखता है। अब मैं उसी हाइलाइटर शेड को लेके अपनी नोज़ की टिप को हाईलाइट कर ले रही हूँ। अब मैं एक प्रॉपर ब्लश ब्रश को लेके पीची शेड लेके अपने चीक्स पे अच्छी तरीके से ब्लश लगा ले रही हूँ। ये थोड़ा सा चीकी टाइप का लुक आपको देगा। अब मैं एक हाइलाइटिंग शेड लेके अपनी नोज़ पे, ब्रिज ऑफ आईब्रोज़ पे, चिन पे और जहाँ मैं कॉन्टूर करूँगी उसके नीचे हल्का सा हाइलाइटिंग शेड दे रही हूँ। एंड जितने भी हायर पोर्शंस ऑफ जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है वहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहिए। अब मैं एक मेकअप अकेडमी का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। अपने ईयर से लेके मिड चीक तक इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ हेयर लाइन के पास। अपने चीक्स के लोअर पार्ट पे इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। इसका कलर जो है वो विजिबल नहीं होना चाहिए और आपका टोटल लुक जो है वो काफ़ी ब्लेंडेड नज़र आना चाहिए, नहीं तो मेकअप अजीब सा लगेगा। यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर ले रही हूँ मेकअप एकेडमी का लिपस्टिक। इस शेड का डिस्क्रिप्शन मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। स्लोली मैंने लिपस्टिक को लगा लिया है। हमारा लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है यहाँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कीको मिलानो का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और पूरी अच्छी तरीके से ब्लेंड करने में हेल्प करता है। लेट इट एब्जॉर्ब इन योर स्किन। अब जो लुक है वो कंप्लीट है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा। मैंने यहाँ पे मस्कारा यूज़ नहीं किया है क्योंकि वाटरप्रूफ मस्कारा निकालने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।